नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी किचन शालूज लव बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छिलके वाली उड़द की दाल की रेसिपी दूंगी, जिसको आप घर में अगर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी, सभी को ये पसंद आएगी और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसको एंजॉय करेंगे। आइए मैं दिखा देती हूँ कैसे इसको बनाना है। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने छिलके वाली उड़द की दाल ली है, लगभग आधा कप के करीब है ये, और इसे हमें अच्छे से वॉश करने के बाद में इसको पानी में भिगोना होगा। तो सबसे पहले हम इसको भीगने के लिए रख देते हैं, तो उसके पहले हम इसे एक बार वॉश कर लेंगे, ताकि इनके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी हो, कोई डस्ट हो, डर्ट हो, तो उसे निकाला जा सके। तो ये देखिए, ये मैंने छिलके वाली दाल ली थी। इसके अलावा आप ये बिना छिलके वाली दाल से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, पर आज मैं आपको छिलके वाली उड़द की दाल से बनाऊंगी। तो ये देखिए, इसे उसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे मैंने वॉश कर लिया है पानी से, और उसके बाद में ये देखिए, इसमें साफ पीने वाला पानी आप डाल दें, और इसको भीगने के लिए आप लगभग 2 घंटे के लिए साइड में रख दें। जब ये अच्छे से भीग जाएगी तो इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम हटा देंगे, और उससे बनाएंगे हम ये दाल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, और कुकर में हम इस दाल को बनाएंगे। कुकर को मैंने गैस पर रख दिया है और आंच को मैंने खोल दिया है, और ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे। ये दाल भीगी हुई दाल है, और आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसके छिलकों को थोड़ा सा हाथों से रब करके निकाल सकते हैं, और चाहें तो पूरे के पूरे छिलके ऐसे ही रहने दें आप। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 3 ग्लास के करीब पानी। पानी आप लेटर इसमें ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, पर अभी आप पानी इसमें कम ही रखें, क्योंकि जब दाल बॉयल होती है तो प्रेशर कुकर से बाहर आ जाती है, तो पानी अगर आप कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे ये देखिए सिनेमन स्टिक, और हम इसमें ऐड करेंगे लौंग। तो इन चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो खड़े गर्म मसाले आप ये ज़रूर ऐड करें। इसके साथ ही 1/4 चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब नमक आप ऐड कर दीजिए, और लेटर हम इसमें नमक और ऐड करेंगे। ढक्कन लगा देंगे हम इसको, मिक्स कर लीजिए एक बार। ढक्कन लगा देते हैं, और इसको हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर इसमें हम 3 से 4 सीटी ले लेंगे। जब ये कुकर ठंडा हो जाएगा तब इसको हम खोलेंगे और चेक कर लेते हैं हमारी दाल बन गई है या नहीं। उड़द की दाल पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा पकाना होता है, और कुकर का ढक्कन जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, कुकर ठंडा हो जाए और सीटी निकलने के बाद ही आप इसको खोलें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं दाल हमारी पक चुकी है। ये देखिए, मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये खड़ी खड़ी भी है और बहुत ज़्यादा मशी भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी ही दाल हमें चाहिए, और ऐसी ही दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अब हम तेज पत्ता निकाल देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। इसके साथ ही इसमें हमने सिनेमन स्टिक भी ऐड की थी, तो चाहे तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। लौंग हम इसमें रहने देते हैं, क्योंकि लौंग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपके मुंह में भी आ जाए तो आप उसको खा सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसके लिए लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे घी। तो ये देखिए, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून के करीब आप इसमें घी ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर इस दाल को घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में या फिर मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो घी को अच्छा गर्म हो जाने दें, और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ज़ीरा। तो 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरे को अच्छे से चटक जाने दें। तो ज़ीरा अच्छे से चटक चुका है, अब इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा हम बारीक काट कर ऐड करेंगे। इसके साथ ही 4 से 5 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली थी, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ऐड कर रहे हैं हम। इसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें आप ले लें, उसको भी बारीक काट लें, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी खाना पसंद हो उसके हिसाब से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं रेड चिली पाउडर का थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इस रेसिपी में भी रेड चिली पाउडर को नहीं ऐड करूँगी, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, आप अच्छे से गार्लिक को और अदरक को भुन जाने दें, और उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो एक बड़े साइज की मैंने प्याज ली है, जिसको बिल्कुल बारीक काट लिया है मैंने, वो हम ऐड करेंगे, और प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये देखिए, प्याज हमने ऐड कर दिए। अब हम फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में कर देंगे, और प्याज को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। इसको भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, और आप ध्यान रखें कि प्याज जलने ना पाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज हमारी भून चुकी है, और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें। तो अब टाइम है इसमें टमाटर ऐड करने का, तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, जिसको मैंने कद्दूकस की हेल्प से कस लिया है, यानी कि ग्रेट कर लिया है, तो वो आप ऐड कर दीजिए। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, या फिर बिल्कुल बारीक काट कर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर को भी हल्का सा मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे नमक, ताकि जो टमाटर है जल्दी गल जाए।
तो ये देखिए, नमक ऐड करने के बाद में टमाटर को इस तरह से मिक्स करते हुए आप इसको पका लें, जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से पक चुका है और टमाटर बिल्कुल फाइनली ग्रेटेड था, इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये देखिए, अब इसमें हम बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ये दाल बनकर रेडी होती है, सिर्फ आपको दाल को बॉईल करना है और टमाटर प्याज का आप तड़का बना लें और उसमें इस दाल को ऐड कर दें। बाद में कुछ मसाले ऐड करेंगे, बॉईल कर लें और ये दाल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, जेंटली से मिक्स करें, क्योंकि दाल ऑलरेडी बॉइल्ड है तो काफ़ी डेलिकेट होती है, तो मशी हो जाएगी। और ये देखिए, मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब होममेड गरम मसाला। रेसिपी जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको सिखा दूंगी। हाफ टी स्पून हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को आप जेंटली मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब आप दाल को मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने दीजिए। ये देखिए, दाल को हम बॉयल होने देते हैं, लगभग 4 से 5 मिनट तक इस तरह से बॉयल होने दीजिए। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। जब ये अच्छे से पक जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अब फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून तक कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए, जेंटली आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, हल्के हाथों से आप इसे मिक्स कर लेना है। कसूरी मेथी डालने के बाद में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पकाएं, चाहे तो 1-2 मिनट पका भी सकते हैं, पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको हम ढक देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद में इस दाल को हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए, सर्व करने के लिए मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम एक तड़का बना के डालेंगे। ये तड़का बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर दें। तो ये देखिए, तड़का बनाने के 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर लिया है घी, और घी के गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब जीरा। तो जीरा आप देख सकते हैं अच्छे से चटक चुका है, तो हम इसमें 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्चों को ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि रेड चिली पाउडर मैंने स्टार्टिंग में नहीं यूज़ किया था, तो आप चाहे तो इस तरह से तड़के में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से तड़का बनाकर रख सकते हैं, और जो भी दाल में जिस तरह से भी स्पाइसीनेस पसंद करता हो उस हिसाब से आप उसके में दाल में तड़के को ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये है कि पूरी की पूरी दाल आपकी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है इसमें। ये देखिए, तड़का इस तरह से ऊपर से डाल दें आप, और ये देखिए हमारी दाल बनकर तैयार है। तो छिलके वाली उड़द की दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमने बनाई है, ढाबे में भी इसी तरीके से बनाई जाती है। और ये देखिए, लास्ट में इसको आप गार्निश कर दें थोड़े से कटे हुए हरे धनिए के साथ, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी दाल है। आप चाहें तो इसको थोड़े से फ्रेश क्रीम के साथ या फिर फ्रेश मलाई को अच्छे से फेंट कर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये खाने में और टेस्टी लगेगी। थोड़ा सा नींबू का रस डालकर आप इसको सर्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।